चैनल पर आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। आइए नजर डालें कुछ खास खबरों पर। मेरी शान तिरंगा जयपुर एवं विचार संस्था सागर के तत्वाधान में सागर नगर में ऐतिहासिक 17 किलोमीटर की मानव श्रृंखला तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें शहर के 31,000 लोगों ने उत्साह एवं देश प्रेम की भावना के साथ भाग लिया। रविवार को सागर नगर में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर नगर की 75 संस्थाओं एवं 36 शैक्षणिक संस्थाओं ने मिलकर 17 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई, जो सुबह 7 बजे चकरा घाट एवं मकरोनिया से शुरू हुई एवं शहर के विभिन्न हिस्सों में से होते हुए डॉक्टर सर हरि सिंह और गौर समाधि स्थल पर विश्वविद्यालय पर समापन हुई। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वी टीम ने इस पूरे कार्यक्रम की मानसिकता की उम्मीद की जा रही है। अब सागर की श्रृंखला का नाम लिम्का बुक में जुड़ जाएगा। मानव तिरंगा श्रृंखला यात्रा में शामिल हुई। मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ शुरुआत है सागर में। पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि तिरंगा यात्रा इतनी बड़ी संख्या में निकाली जा रही है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। आप बोलेंगे जी, ये किस तरह की यात्रा थी और कैसे ये विचार बना? ये 17 किलोमीटर लंबी तिरंगा मानव श्रृंखला है जो सागर में बनने जा रही है। ये विश्व की अभी तक की सबसे लंबी रहेगी, जिसका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इंदराज किया जा रहा है। और यह सागर वासियों की राष्ट्रभक्ति और एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है कि हम धर्म, जाति, पार्टी, सबसे राजनीति से ऊपर उठकर अगर कुछ करना चाहें तो सागरवासी कि अब सब कुछ कर सकते हैं दुनिया। ये वाकई बहुत बड़ा इवेंट था, काफ़ी संघर्ष रहा हुआ, अब ये सफल हो गया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है। भैया, आपके मन में कैसे आया कि हमें तिरंगा यात्रा निकालना है? मेरी शान तिरंगा जयपुर जो संस्था है वो तिरंगा लेकर आए हैं, उन्होंने ये प्रेरणा दी। और फिर बाकी ऐसे विचार कैसे बना कि हमें पूरे मतलब सागर के अंदर राउंडेड करना, उसके लिए व्यवस्थित सुव्यवस्थित करके? बस विचार सेवकों के सबके मिल के सुझाव आते गए और बन गया। टाइमिंग से कुछ लेट चल रही ना? विचार सेवकों की, हाँ, लेट हो रही है क्योंकि आपके विचार सेवकों की ऐसी क्या इसमें कहना चाहिए राय रही है आपके प्रति? विचार सेवकों के मन में एक इच्छा जागृत हो चुकी है कि हमको कुछ अच्छा करना, सकारात्मक करना है। ये सकारात्मक सोच का परिणाम है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें।